नेरचौक नगर परिषद में पिछले 2 महीनों के अंतराल में 3 पार्षदों के साथ मारपीट एवं जान से मारने की धमकियां मिलने की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में भारी रोष है और सभी ने एकजुटता दिखाते हुए निंदा प्रस्ताव और सुरक्षा व्यवस्था का ज्ञापन मंडी जिला के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सौंपा गया और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जाँच करवाने की मांग भी की गयी। नेरचौक नगर परिषद में पिछले 2 महीने के अंतराल में 3 पार्षदों के साथ मारपीट एवं जान से मारने की धमकी मिलने की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में भारी रोष है और सभी ने एकजुटता दिखाते हुए निंदा प्रस्ताव और सुरक्षा व्यवस्था का ज्ञापन मंडी जिला के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सौंपा गया और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई। सभी पार्षदों ने सामूहिक पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए हवाला दिया कि वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेकों जन समस्याओं और शिकायत निवारण हेतु फील्ड में जाते रहते हैं। हाल ही में कुछ पार्षदों के साथ स्थानीय गुंडा तत्व ने बिना वजह मारपीट की और उनको जान से मारने की कोशिश एवं कईयों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। गत अक्टूबर माह में निर्वाचित पार्षद रजनीश सोनी को उसी की दुकान के आंगन में कुछ शराबी तत्वों ने उनके साथ बेवजह मारपीट की थी, जान से मारने की कोशिश की तथा जब पार्षद की वृद्ध माता ने बेटे को बचाने गई तो शराबी गुंडा तत्व ने उनकी माता के साथ भी बदसलूकी की एवं अपशब्द कहे, जिसकी पूरी वीडियो फुटेज उनके पास मौजूद है। और जब पार्षद ने ये हमला उसी रात पुलिस में दर्ज कराना चाहा तो बहल पुलिस ने आनाकानी की और उस रात पुलिस ने उपरोक्त 3 व्यक्तियों को ना तो हिरासत में लिया और ना ही उनका मेडिकल करवाया। हाल ही में 15 दिसंबर की सुबह नेरचौक बाढ़ की निर्वाचित महिला पार्षद के साथ स्थानीय व्यापारी ने महिला पार्षद के साथ बदसलूकी की, अपशब्द कहे और उनको भी जान से मारने की धमकी दे डाली। नेरचौक पार्षद अमृत कौर ने लिखित में अपना पक्ष पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। इस बारे में नगर परिषद के जनरल हाउस के सदन ने पार्षदों में हो रहे हमले में कड़ा संज्ञान लिया और सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसकी प्रतिलिपि भी सौंपी गई। आज हमारे नगर परिषद नेरचौक के हम सभी पार्षद माननीय एडिशनल SP महोदय मानव वर्मा जी से मिले और इसमें हमारे कुछ पिछले 2-3 महीनों से पार्षदों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे थे, जान से मारने की धमकियाँ आ रही थी। अभी हाल ही में हमारे जो पार्षद है नेरचौक वार्ड के महिला पार्षद, इनके ऊपर भी जान से मारने की धमकी का मामला आया है, तो हमने इसका एक निंदा प्रस्ताव पारित किया था पिछले जनरल हाउस में, वो हमने SP साहब को सौंपा है और SP साहब से हमने मांग की है कि इन केसेस में निष्पक्ष जांच की जिसके और हमारे जो पार्षद हैं यहाँ पे वो सुरक्षा का जो लिहाज से उनकी जो भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो हमारे पुलिस प्रशासन देखे, और इतना हमने SP साहब से मांग रखी है और ज्ञापन सौंपा है।